good evening. पहले मैं आपको हल्का सा बता दूं, बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन एंड बिकॉज वी गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, मैं पहले आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा. सो माई नेम इज एक्चुअली जॉनथन फिल्म नितिन ब्रेडी, एंड दैट्स नॉट अ जोक, बट दैट्स माई फुल नेम, जॉनथन फिल्म नितिन ब्रेडी. एंड बिफोर वी गेट इन टू दिस चैट, आई नीड टू टेल यू वेर आई कम फ्रॉम. सो माई ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज एन आयरिशमैन, ठीक है, दादाजी पड़ पड़ पर दादा, तो वो आयरलैंड से यहाँ पर आए थे. माई दादी वॉज अ तमिलियन ब्राह्मण फ्रॉम आंध्र प्रदेश, माई दादा वॉज फ्रॉम मैसूरू, माई डैड वॉज बॉर्न इन मैसूरू देन ब्रॉट अप इन अम्बाला, सो वी बेसिकली एंग्लो इंडियंस. माई मॉम्स पेरेंट्स, माई नाना नानी केम फ्रॉम डेरा गाजी खा पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम पे, दे पंजाबीज. माई मॉम वॉज बॉर्न इन पंजाब एंड आई एम मैरिड टू हिमाचली राजपूत, तो मेरे घर के बाहर लिखा हुआ इनक्रेडिबल इंडिया. सो दैट्स हु आई एम. एंड व्हाई आई टोल्ड यू ऑल दिस इज बिकॉज आज मेरे साथ एक बड़े इंटरेस्टिंग शख्स है यहाँ पर, जो मतलब मुझे लगता है कि डीप डाउन इनसाइड अपने दिल से, एंड आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग दैट, हम सबसे ज्यादा देसी हैं. और इनका नाम बहुत ज्यादा देसी है, हिज नेम इज चार्ल्स थॉमसन, डजंट गेट मोर देसी देन दैट. देखिए आप जो बोला है ना, मैं तो कभी नहीं किया लेकिन अभी मैं भी बोलता है, ठीक है. मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर सबसे अमीर आदमी था ऑस्ट्रेलिया में, क्या बात. नंबर वन. नंबर टू, मेरा जो ग्रैंडफादर है माँ की तरफ से, वो अरेंज मैरिज रिफ्यूज किया, उसके लिए उसका घर से निकाल दिया. और उस समय गाड़ी नहीं था, तो मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर फर्स्ट गाड़ी ऑस्ट्रेलिया को मिला. मेरा जो ग्रैंडफादर एकदम 19 साल में 16 साल के लड़की के साथ शादी किया, उसको घर से निकाल दिया, ठीक है. ये सबको घर से निकाल रहे हैं. वो सिडनी में, सिडनी में पहुंच गया. उसका सबसे पहले काम यह था कि बैंक वाला का चाय को पहुंचाना, तो वो भी चाय वाला था, ठीक है. क्या बात है, बहुत बढ़िया. अच्छा, ग्रैंडफादर से मेरा जो मार है ना, वो 6-8 साल 80s में कलकत्ता में रहा, टोलीगंज में. और जितने जो बनिया लोग है इस देश का, बिल्ला गोविंग का टाट जितना है, उपासी लोग है, सबको योगा सिखलाया, ठीक है. वाह. तो ये हो गया उस तरफ का परंपरा. इस तरफ का जो परंपरा है वो सेल्टिक, वो भी आयरिश स्वीडिश और इंग्लिश मिला करके. इस तरफ है सेल्टिक, मतलब स्कॉटलैंड से. मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर के पास 15 बच्चा था. कितना? 15. और कुछ और? कोई मरा नहीं है, सब जिन्ना रहा. हाँ, 15. ग्रेट ग्रैंडफादर करते थे. ग्रेट ग्रैंडफादर, मैं तो जिन्ना नहीं था तो मैं ज्यादा नहीं जानता है उसके बारे में. उसके बाद मेरा ग्रैंडफादर आया ऑस्ट्रेलिया में. मेरा पापा एक साइकाट्रिस्ट बन गया. मेरा पापा स्पेनिश सीखा, मैंने इंग्लिश हिंदी और थाई भाषा. हमारा पास दो छोटा भाई है, दो छोटे भाई का बाल भी अलग रंग है, आँख भी अलग रंग है. एक छत्तीसगढ़ी और हिंदी आता है, दूसरा बंगाली उड़िया और हिंदी आता है. क्या बात. हाँ, तो वो बस आप बोल रहे हैं तो मैं सोचा थोड़ा सा आपको देगा, और मेरा दिल है हिंदुस्तानी. ठीक. वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया. मेरे दिमाग में सिर्फ इनकी एक बात छपी है कि इनके दादाजी जो है सबसे अमीर आदमी था ऑस्ट्रेलिया. हम बहुत सारी बात करेंगे बाद में, वैसे लोगों को खींच लेता हूँ मैं. बट चार्ल्स, इट्स सच अ प्लेजर टू स्पीक विद यू. और आप शायद इनको जानते होंगे, बिहारी बाबू के नाम से इनका शो भी चला था, ऑटो वाले बाबू, न्यूज़ चैनल्स पे दिखा, और बहुत सारे जो है शोज कर चुके हैं. का कंटेंट बड़ा तगड़ा वायरल हो जाता है. मैंने इनको बोला कि कहीं नीचे हैशटैग खुराफाती नितिन भी लगा दें, शायद हम भी थोड़े वायरल हो जाएं. बट सच एन ऑनर टू यू नो स्पेंड सम टाइम विद यू. तो आज हम कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बात करने वाले हैं, एंड इट्स गोना बी अ वंडरफुल सेशन अबाउट कम्युनिकेशन, बिकॉज आई हैड अ चैट विद हिम बिफोर. ही कम्युनिकेट्स एंड आई कीप क्वाइट. That's the first time it's happened in my life. So he just talks and I just keep quiet. And it's not because he talks too much, but because he speaks so well. So you know, tell me, आप हिंदी में ज़्यादातर बात करते हैं. And बड़ा interesting है कि आपके साथ कई बार ऐसे हुआ है कि जो हिंदी speaking लोग हैं, जैसे मैं हूँ, हम ज़्यादा अंग्रेजी बोल रहे होते हैं और आप हिंदी बोल रहे होते हैं. And I encountered the same problem. He came to my studio. I kept talking to him in English and he kept saying that अंग्रेज चले गए. And I didn't get it first. I'm like, oh, I'm sorry. माफ कीजिएगा. बट यू नो बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंस द मोमेंट यू हियर चार्ल्स थॉमसन इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आप शुरू हो जाते हैं इंग्लिश में, भूल गए कि इनको ज्यादा हिंदी आती है. तो टेल मी, हाउ इज इट बीन, हाउ इज द जर्नी बीन, एंड हाउ डिड दिस लव फॉर इंडिया एक्चुअली हैपन? तो सबसे पहले एक ही छोटा सा जवाब देना चाहता है, मैं हिंदी में सबसे पहले क्या सीखा था वो मत बताइए, वो यहाँ पे फैमिली चैनल है. हाँ, नहीं बता सकता. अच्छा, बताइए बताइए बताइए. हम किसी से बहुत प्रेम से अंग्रेजी में पूछा है, हाउ डू यू से थैंक यू वेरी पोलाइटली इन हिंदी, उन्होंने क्या सिखाया? मैं गधा हूँ. 2 हफ्ते तक हम सबको बोला मैं गधा हूँ, कोई हमको ठीक नहीं कराया, लेकिन सब मुस्कुराया. तो मैंने सोचा ठीक बोला, हमने कहा होगा ठीक है, अब तो मान रहे हो, हम क्या कर सकते हैं. मतलब अगर आप कह रहे हो तो क्या बोल सकते हैं, वो क्या बात है. बट दैट्स वेयर इट स्टार्टेड. बट डू यू थिंक कम्युनिकेटिंग इन हिंदी, जब से आप भारत में आए और आप इतना काम यहाँ पे कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी था आपके काम के लिए कि आपको
हिंदी की अच्छी यू नो नॉलेज हो, हिंदी अच्छी आती हो. मैं इस तरफ का ये जवाब नहीं देता है. मैं ये दिखता है कि कोई भी भाषा अगर आप जान जाता है, मैं थाई भाषा भी आता है लेकिन इतना बढ़िया से नहीं है, तो कोई भी भाषा अगर आप जानेंगे तो उसमें कुछ प्रभावित होता है. मैं एग्जाम्पल देता है, ऑस्ट्रेलिया में मैं बहुत टोपी पहना है जीवन में, तो एक टोपी जब मैं पहना था तो कुछ हिंदुस्तानी लोग मेरे पास आता था कंसल्टिंग के रूप में, तो मैंने देखा अगर दो हस्बैंड एंड वाइफ आएगा, उसका सारा काम हम कराएंगे, बिल कराएंगे, पैसे देंगे उनसे, और मैं सारा अंग्रेजी में करेगा, पैसे दिया गया खुश. अगर मैं हिंदी में बात किया अभी भी दोस्त है मेरा. तो भाषा एक लिंक चीज़ है ना, और मुझे लगता है अंग्रेजी जो है ना काफ़ी इंटेलेक्चुअल भाषा है. लेकिन अंग्रेजी के बारे में हम कुछ आप लोगों को बतलाता है. आपको मालूम है कि जितना जो भोजन वाला जो शब्द है अंग्रेजी में वो सब फ्रेंच से आया, मेन्यू, अलाकार्ट, वो सब कुछ है. जितना जो मेडिकल टर्म है वो सब लैटिन से आया, ठीक है. लेकिन आजकल इंग्लिश बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज आ गया, लेकिन हिंदी जो है ना, कोई भी आदमी कितना भी गुस्सा है मेरे साथ में, अगर मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी बात करेगा तो मुस्कराएगा. तो हिंदी बहुत प्यार भरी भाषा है. हाँ, बहुत ही प्यारी वाला भाषा है. फैंटास्टिक. यू नो, वी ऑलवेज से रेडियो की कम्युनिकेशन जो है ना, वो हमेशा, जैसे रेडियो इज वेरी लोकल मीडियम, तो हम जिस भी स्टेट में होते हैं, जिस भी प्रांत में होते हैं, तो वहीं की भाषा बोलते हैं, वहीं की बोली बोलते हैं. और आप तो माशाल्लाह से आप भोजपुरी भी बोल लेते हैं, और इस सब मतलब आपका एक वो जो ऑटो वाले बाबू, उसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग बताइए. आपने काफ़ी किस्से बताए, मैं एक वो किस्सा जानना चाहता हूँ. आपने बताया था कि किसी को आपने, किसी ने आपको गले लगा लिया था, अभी भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले. ओह, अच्छा अच्छा अच्छा. कभी कभी हम अंग्रेज कपड़ा पहनता है, कहाँ कोई अंग्रेज से मिलने के लिए, तो मैं मेट्रो में जा रहा था दो तीन हफ्ते पहले, तो अगल बगल वाला लोग बोल रहे हैं उबला आलू जा रहा है. तो मैं जब ये सुना उबला आलू, तो मैं अपने चेहरा को ऐसा बनाना चाहता था कि कोई एक शब्द नहीं, मतलब ये लोग को नहीं लगा कि मैं समझ गया. इट्स बेटर देन बीइंग कॉल्ड अ थैला ऑफ आलू. मेरे वेट घटाने से पहले मुझे यही बोलते थे, सो इट्स ओके. हाँ, पर उबला आलू बोल रहे थे. तो उबला, तो आपने बताया नहीं कि आपको हिंदी आती है, आपने बताया नहीं. अरे खाए बात, ये खाए बात होता है ना, ये बड़ा अजीब चीज है कि लोग सोचता है कि कोई अंग्रेज हिंदी कभी नहीं आएगा, और मेरे सामने में क्या क्या बात चलता है. अच्छा, एयरलाइंस इंडिगो, इंडिगो बहुत साल से तीन व्यक्ति को बेचता है सिडनी में तीन महीने के लिए, और जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग होटल मेरा बीवी एक अपार्टमेंट रूम है उसमें, तो एक बार तीन लड़की को भेजा, लड़कों को नहीं भेजा. मैं रोज़ लिफ्ट में जाता था, और रोज़ वो लोग हमको देख करके हिंदी में कॉमेंट देता था. मैं चुप रहता था, मैं कुछ नहीं बोलता था. आखिरी दिन जब ये लोग का लास्ट डे है ना, मैं जाकर के उन लोग के साथ हिंदी बोला. आप इतना शर्माया, इतना हंसी किया, वो डूब करके चले गया है. लेकिन हाँ, तो मैं ये भी देखा है, एक छोटा सा कहानी बताता है. बहुत साल पहले मैं अपना माँ को हरिद्वार पहुँचाया. हरिद्वार में मेरा माँ हमको बहुत परेशान कर दिया. जितने जो पंडित है उससे आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद लेने के बाद ये लोग दक्षिणा मांगता है, हमको पॉइंट किया. तो बहुत सारे पंडित मेरे पीछे में लग गए पैसा लेने के लिए, और विदेशी कितना भी पैसे देगा वो काफ़ी नहीं है, वो चाहिए. तो हम सोचे चलो यहाँ से भागेंगे. तो हरिद्वार में एक टैक्सी को मिला, तो टैक्सी वाला से मैंने पूछा अंग्रेजी में, हिंदी में याद नहीं है, हाउ मच. तो बोलते 100 रुपीज. तो ठीक है, हम लोग तीन लोग बैठ गए टैक्सी में. उस टैक्सी के अंदर में गुरु नानक का बहुत बड़ा चित्र था. तो वो जो मालिक है उसका रेखा, वो आया, एक सदा था, लकड़ी लेकर के आया, और हिंदी में ड्राइवर से पूछा तुमने कितना बोला. 100 रुपया. बोलते 300 रुपया लो. तो बोलते सर हम ऐसा कैसे बोल सकता है. बोलते तीन लोग हैं तो 300 रुपया देना. तो मैं देख करके उसको बोला, सीख सरदार, प्लीज कम हियर, लुक दिस पिक्चर ऑफ गुरु गुरु नानक, व्हाट यू आर सेइंग, वी आर कमिंग टू टेम्पल्स, यू आर सेइंग 300 रुपीज. उसी वक्त वो मानना चाहता था वो बेचारा. बोलते पैसा मत लो, लेकिन मैं ऐसे आदमी नहीं है, हम लोग 100 रुपये दिए. वो उस सदा को बोला, गोरा लोग जो है ना कभी कभी बोलते नहीं लेकिन हिंदी समझता है, तो थोड़ा थोड़ा गोरा लोग को बचा रहा है. उनकी भी गलती नहीं है ना, मतलब आपसे 300 रुपये उसने मांगे क्योंकि आपके दादाजी सबसे अमीर आदमी था श्रीलंका. आई कीप कमिंग बैक टू दैट, आई जस्ट कांट गेट पास्ट दैट. But just tell me, you know, you do a lot of YouTube content. आप बहुत सारे videos बनाते हैं. तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है digital space जो है आज की date में, do you think it's very cluttered and there's too much happening? या आपको लगता है कि नहीं, अच्छा है जिसको जैसे entertainment चाहिए वैसा मिल रहा है, या आपको लगता है कि कुछ भी चल रहा है? You know, for example, there are times when I see, not pointing fingers at anyone, but suddenly you see a video जो कि बहुत ही बहुत बेसुरा, अगर स्कूटर पर बैठ के कोई लड़की गाना गा रही है तो हम उसको जो है करोड़ों व्यूज़ दे देते हैं, और फिर बोलते हैं बड़ा घटिया वीडियो है, लेकिन करोड़ों व्यूज भी दे देते हैं, राइट? सो डू यू थिंक कंटेंट टुडे ऑन द इंटरनेट, आई मीन व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क, देयर इज नो फॉर्मूला टू इट, कुछ भी चल जाता है कुछ भी नहीं चलता. नहीं, इसमें फॉर्मूला है, और मेरा एक्सपीरियंस क्या है मैं आपको बतलाता है. मैं जब पता नहीं कितना लोग जी में ऑटो वाला बाबू देखा था,
लेकिन मैं आप लोग को बतलाना चाहता है कि कोई इसमें स्क्रिप्ट नहीं था, कोई हमको जरा मदद नहीं किया, सारा हमको करना पड़ा, ठीक है। तो ठीक है, ऑटोबायोग्राफी शूटिंग हो गया, चैनल में चले गया, लेकिन उस समय जी का ऑनलाइन कंटेंट इतना ज़बरदस्त नहीं था, लेकिन उसका जो सोशल मीडिया टीम है वो कहाँ का है, बिहार, मेरा पड़ोसी। मैं जाकर के बहुत प्रेम से बोला, तो 12 एपिसोड यूट्यूब में लगा दिया। अब मैंने क्या देखा बाद में, ये यूट्यूब में एल्गोरिथम्स चलता है, वो एल्गोरिथम्स क्या करता है, जब भी कोई व्यक्ति कोई भी कंटेंट देखता है, वो एल्गोरिथम्स देख करके ये पहचान लेता है कि ये कंटेंट उनको पसंद है। तो जनरली क्या होता है, अंडर 30, ये तो दुख का बात है, लेकिन अंडर 30 हिंदुस्तान में आजकल बहुत बच्चे लोग न्यूज़ देखना बंद किया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लोग देखता नहीं है, लेकिन ये एल्गोरिथम को पता चल गया कि जब ऑटो वाला बाबू आ रहा है, हर एक बच्चा देखता था। तो आप में चाहे हरिद्वार में है, चाहे बॉम्बे में है, चाहे अभी कहाँ था, हाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में, बच्चा आएगा, अरे बिहारी लाल जी, मैंने ऑटो वाला बाबा आपका देखा है। तो उसमें एक साइंस है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग साइंस है। लेकिन मैं सबको बोलता है कि जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में कंटेंट डालता है, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपका जो व्यूअर है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, थोड़ा मुस्कुराना चाहिए। अगर वो मुस्कुरा रहा है तो आपका चांस ऑफ वायरल जाने में बहुत हाई है, सीरियस नहीं है, क्योंकि 30 सेकंड्स के अंदर में वो सोचता है कि मैं इस वीडियो को देखेगा, नहीं तो फटाक से उसको खत्म करके दूसरा देखेगा। तो वो पूरा साइंस और पूरा एल्गोरिथम से चलता है। So, you know, I'm going to come back to this because, you know, your digital content really works well and you get like thousands of lakhs of views from across the world. और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में चल रहे हैं आपके वीडियोस, ये वीडियोस बाहर भी चल रहे हैं, बनारस वाले वीडियो के बारे में बात करूंगा। बट फॉर अ चेंज आई वांट टू थ्रो अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू आल्सो, यू नो, सो इफ यू कैन हैव सम लाइट्स ऑन द ऑडियंस। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यू नो, टुडे देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, इतना सारा मीडिया आ चुका है, देयर इज सोशल मीडिया, देयर इज टेलीविजन, देन देयर इज रेडियो, देन देयर इज प्रिंट मीडिया। डू यू थिंक दैट, एंड आई जस्ट वॉन्ट, आई मीन जस्ट रेज अप योर हैंड्स एंड यू कैन आंसर दिस, डू यू थिंक दैट देयर इज अ वॉर अमंग्स दीज मीडियाज, यू नो, आपस में, या आपको लगता है दैट ईच हैज इट्स ओन स्पेस and you really can't eat into each other's space? What do you feel? Peeche se kisi ne haath uthaya, tum to yahi ki ho shayad, exchange of media nahi, acha please Udhay, can we have a mic there? I have it here first, if that's all right. Yeah, first here and then yeah. To the lady there. So I think every media is competing for time that a person has to consume any kind of media when they're not working, if they want a break or they want to increase their knowledge or whatever they want to do. किस फॉर्म में ये मीडिया होगा, वी स्टार्टेड फ्रॉम यू नो द रिटन वर्ड, लोग अखबार पढ़ते थे, उसके बाद वो वीडियोस देखने लगे, आज हम लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे स्टोरीज हैं जो 15 सेकंड की होती हैं और एक दिन के बाद वो गायब हो जाती हैं। सो द फॉर्म्स आर चेंजिंग, देर इज़ अ वॉर फॉर द व्यूअर्स अटेंशन, वॉट फॉर्म दैट टेक्स, हाउ मच टाइम इट हैज़ एंड हाउ परमानेंट इट इज़, दैट्स गोइंग टू कंटिन्यू टू इवॉल्व। एंड आज हम लोग सिर्फ अपने मोबाइल को देखते हैं, अपने कंप्यूटर को, अपने टीवी को देखकर सोचते हैं शायद कंज्यूम करने का यही तरीका है, बट एज वी आर सीइंग टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, द वे वी कंज्यूम दीज थिंग्स इज ऑल्सो चेंजिंग। सो इट इज द फ्रिक्शन इन कम्युनिकेटिंग टू अदर पीपल समथिंग दैट दे फाइंड इंपॉर्टेंट इन एंटरटेनिंग, दैट आई थिंक इज द रियल वॉर, वॉट एवर मीडियम दैट टेक्स, दैट्स गोइंग टू इवॉल्व एज वी गो ऑन। Can you just introduce yourself also? So I am Karan Rajpal. I run digital marketing for Dalmia Bharat Group. Oh, wonderful. I know where to get business from. Okay. Can we have the mic there also? To the lady. Aap bhi apna please naam batayega. We can't see her though. You can see me. I'm not from business world. So you said you have Tamil roots. Eppadi irkeengala? Sorry? You said no. My dadi was a Tamilian Brahmin. Okay. I know only Punjabi, Hindi, and English. All right. My name so, is... but I love you too. Okay. If that's what you said. No problem. It's going to be an unrequited one, but still. So my name is Deepa. I'm from Malakshmi Group. Okay. So the question that you were asking about the war factor, there is some kind of there are cold vibes between print and digital. Mm. I think digital is more far reached out than print. We have to accept that. So they are trying to coexist, but there is a fine line between the both. And there is a constant catching up to do, especially in the matters of personal branding. Maybe if you're managing a celebrity or a politician, or if it's the government campaigning.
So there is so much of disparity in the way both of them reach out. So definitely there's a war. Then I just want to counter question. I'm really sorry, I'm just taking this away because I really want, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा opportunity है और आप सारे लोग एक कमरे में दोबारा नहीं मिलेंगे मुझे शायद. But tell me something, आप digital को जब इतना तवज्जो देते हैं, and you know in the age where you know that a lot of people, 90% of the people that you see have content on YouTube and everywhere, they've got paid likes. It's a real world, right? Let's face it. उनके आधों के likes जो हैं आपको पता है कि शायद real भी नहीं है. So how do you as an agency, like for example the PR agency तो है, how do you decide कि किस पे कितना business जाना चाहिए? When you know that, for example, radio है या print है या television है, उनकी ratings है कुछ है whatever, and you know, और दूसरी तरफ जो है digital पे, and I'm not pointing fingers, I'm just playing devil's advocate here, because I also create a lot of digital content, but how do you decide कि किसको कितना तवज्जो देना? Because you know, it might just be a bubble which might burst one day. What do you feel? सन्नाटा इतना शोले में भी नहीं था जब उसने बोला था इतना सन्नाटा. Yeah, hi, I'm back again. So सारे जवाब इनको ही बताएं. हाँ जी. So again, because I do this every day where I ask for budgets which were being invested in other mediums and now I'm asking for budgets for digital, I think जो मुद्दा है वो ये है, audience अपना time कहाँ पे spend कर रहा है. और आज पिछले 50 सालों से हम लोग टीवी में रेडियो में पैसा लगा रहे हैं. जो हमारे कंट्री में और इवन बाहर के कंट्रीज में मेजरमेंट सिस्टम्स हैं उनमें क्या होल्स हैं वो भी हमको अच्छी तरह पता है. बट हमें एट द एंड ऑफ द डे ये जानना है, इन अ गिवन ईयर हाउ मेनी पीपल कैन बी रीच एंड व्हाट इज द कंजम्पशन दैट इज हैपनिंग ऑन वेरियस मीडिया फॉर्म्स विद दीज पीपल. अगर अखबार अच्छे थे वो आज भी अच्छे हैं, बट उनके अंदर फ्रिक्शन है. रोज सुबह एक आदमी को आके आपके यहाँ डालना है, आपको सिर्फ वो चीज़ लेकर बैठना है, उसको 20 मिनट तक पढ़ना है, तब आपको पता चलेगा. वर्सेस आपकी जेब में हर समय एक अखबार है जिसको आप पढ़ सकते हैं या उस पर आप और भी कोई मल्टीमीडिया कंटेंट देख सकते हैं. योर एबिलिटी टू कंज्यूम द अमाउंट ऑफ कंटेंट एंड द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम दैट इज चेंजिंग. एंड ऑडियंस अपने आप ही हमको दिखा रहा है कि उसे क्या ज़्यादा पसंद है. रेडियो और प्रिंट के जो नंबर्स हैं, रेडियो आई होप विल कंटिन्यू टू गो ऑन, आई फाइंड इट एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव. थैंक यू. बट द नंबर्स यू नो दे आर नॉट वे दे वर व्हेन वी लुक एट पर मिलियन इंप्रेशंस और पर मिलियन रीच. डिजिटल में ये रीच बिकॉज अभी बहुत हैविली सब्सिडाइज है वो बढ़ता जा रहा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नो सम मिडिल पाथ विल बी फाउंड. येस, वन कैन नॉट टेक ओवर द अदर, बट द मीडियम इन विच इट रीचेस ओवर द एयर रेडियो जाएगा या इंटरनेट से रेडियो जाएगा, सिर्फ ये इवॉल्व होएगा. कंटेंट वहीं का वहीं चलता रहेगा, एंटरटेनिंग कंटेंट हमेशा अपनी जगह पाता रहेगा. क्या बात है, वेरी नाइस. भाई तालियां बजाइए, दो जवाब दिए उन्होंने. One thing I'd like to add to that, you asked about confrontation. Yeah. And I'm talking in English because this was a lecture in English. We've all heard of Shekhar Kapoor. He's an amazing film director. He is the one guy who, there's another film director like him, who's an Indian who's made Hollywood content films that have been a success story, and also Hindi films. This was 3 years ago in Goa at Film Bazaar. He was giving a talk and he spoke about the fact that Variety, and this is 3 years ago, Variety magazine had done this survey, not in India, but the rest of the world, and had found that the millennium bachcha, that's children born from the year 2000 onwards, who do they respect, who do they acknowledge? And what they found was that any child born after the year 2000, this is a big generalizing, all of their heroes were not Hollywood, Bollywood, sports, or people who wrote books. And people actually became quite angry about this. And then he started naming them. People had never heard the names. These were all YouTubers. But today, I'm sure if he's speaking exactly the same thing, there won't be that sort of reaction. Because now people are waking up to the fact. And I'll just give you a very interesting example. I was at a Bihari Shadi here in Delhi, and I met a young girl, 16. She's a Bihari, but born in the UK. She's the smartest kid in the whole of Leeds. And she goes to what's called a specialty school, which is a government school, which is for the brightest children. I was fascinated that when I was talking to her and her brother and her family, what had suddenly dawned on me was that her knowledge was based on two things: the books that she studies for exams and anything from YouTube. Anything outside of YouTube, she had zero knowledge. So what we're actually finding today is the youth, or as we go down the age of people, their contact, their reality is completely different to, say, my age group. So what's happening, there are sudden changes taking place. And I think that's a very important point. The other point where the confrontation has come is the revenue model.
in the beginning, and even now, a lot of people are struggling to work out how to make a productive revenue model when putting content online, as opposed to the normal traditional, whether it's in the cinema or on the television. But I'll just make this observation, and please, whenever you go home, just watch this. Traditionally now, in most Indian homes, the father watches the news on television. He leaves. The wife watches the TV serials, which are religious, and also, you know, boy meets girl, whatever it is, Swaragini, which I've worked on. And the children go to their rooms and watch everything on their mobile phone. And now what's happening, of course, which is happening at a fantastic pace, is on these mobile phones, the phone provider is giving you 3 months or 1 year free Netflix or Amazon Prime. Now, the difficulty that India is facing now is the youth of this country are now absorbing a huge amount of content that has no relationship to India. Now, I'm not saying that content is bad. That is not my point. But suddenly now you have young people, and I meet them all the time. They have little or no knowledge. And I think in the earlier session, I may have mentioned, I have a dear friend. He's the head priest of a very big Hanuman temple in Delhi. His son has no knowledge of the text. He can't chant Sanskrit. He wants to be a doctor. All he watches is one YouTuber in, I think it's Sweden, who's the number one YouTuber of the world. Now, you can imagine this boy's whole world is now in this scenario. So this is a constantly ever-changing pace. And I'll give you another just quick example of that. I covered for a channel, but this is once again online and whatever, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Rajasthan. One of the things I noticed everywhere, and even in Delhi now, as you look, the signage is changing. And what is it? It's Netflix and Amazon Prime. And what is on that sign? Hollywood content. It's, you know, serials from America, which most people, if you ask them in, you know, if you went into the heartland and asked them, who is this person? They have no idea. So there's a huge, fast change happening. And what I also surprises me, it seems to me, and I mean, maybe I'll be clobbered on the head for this statement, but it seems to me that the Videshis are picking up on India a lot faster than the local Indians. I'm surprised now in Bollywood, the producers and everybody is going to Netflix and Amazon Prime and saying, I want to give you content, I want to work for you, right? I just, out of curiosity, has anybody ever heard of ViewClip? ViewClip. No? ViewClip. No one's heard of ViewClip? Ah, a couple. It surprises me. ViewClip is the Chinese version of Netflix. It's a billionaire. He's closed his research center in Beijing. He's moved it to Pune. And one of his business offices in Bombay. And he's taken on Netflix, I think it was in Malaysia, Indonesia, and South Africa, and beat them. And what was the difference that I understood in that was simply from a very long period of time, he has been buying or absorbing Tamil, regional language content, Indonesian, Korean. So he's got a much bigger library that he's picked up over a period of time. So we're in a very, very interesting world. But now the other part of it, which I find is amazing, talk to the youth of India, whether they're any of the regional, every young kid is becoming a YouTuber. Have you noticed this or not? Every young kid. Now what happens is, when you've got these lakhs and lakhs and lakhs of kids becoming YouTubers, one of two of them have the spark and go up. And then you get, I don't know, has anybody met some of the top Hindi YouTubers? Put your hands up if you've met some of the top Hindi YouTubers. Can anybody put a hand up who's met some of them? Oh, I can just see one. Now think of this. They are now the most influential people in this country, and nobody in this room has met them. And I'll give you a commercial reality of that. One of the comic series, what was it called, that was released, it was dubbed in Hindi and shown at the cinemas. I've forgotten the names. Anyway, I was in Kaushambi, and they're the two big cinema halls, PVR and another, I think it was called Wave. There was a long, long queue on the first day of simple, by the people at the bottom of the pyramid, autowalas, rickshawwalas, the poorest people, all in a long queue to see a Bollywood film that's a comic dubbed in Hindi. And everybody was shocked, and it made a lot more money, I believe, than the Bollywood films. How did they get to find out? What the Americans had done, they went to the number three Hindi YouTuber to
took him to America, interviewed him, let him meet the cast, meet the directors, and he informed all of his people on the channels. So I would say, here's just a little bit of homework for you, because you're in this industry. Sometimes go on YouTube and just Google Hindi channel and start looking. It's quite amazing, the reach and the audience. And we're not talking small audiences. There's, I think the top Hindi YouTuber is getting 20 million. He's got 20 million subscribers. Now, Aaj Tak's got 11 million. Aaj Tak, top Hindi news channel, and this Hindi YouTuber's got 20 million subscribers. So it's a very, very fast-changing, rapid world. For me, the blessing, and I feel now India's tailor-made for me, I can go into any Hindi-speaking village in India, or koi pachan lega, are ye tipi Hari Lal ji, aao, maine aapka YouTube dekha hai, main kya seva kar sakta hai? So I think it all boils down on that, unhone bilkul theek kaha that, you know, the mediums will keep changing, but at the end, I think all of us are going to survive. Chai radio ho, chai digital ho, chai print ho. And I think that, for example, even print, I've never worked for a newspaper, but I still feel the charm of a newspaper will never go away. Picking it up in the morning and actually sitting down with a cup of coffee, that just can't go away, that'll always be there. So I just feel that everyone's going to coexist. Bas wahi hai ki koi kabhi aage, koi kabhi peeche, but all of us are going to coexist. Thank you all for having us over here. Thank you, thank you. Can we have a huge round of applause for them? Bahut bahut dhanyawad. Khana free hai, khake jaiyega. Yes, you want to say something? Okay, anyway. I would now like to call on stage Mr. Navneet Kumar, Director, Intact Advertising, to felicitate our speakers. Yes, please.